आज का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं टिहरी की राइड पे एंड मैं अपनी बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट पे रख चुका हूँ। ये जो है ना यहाँ पे अभी एक दो डंडे और आने दो, यहाँ पे राइट साइड पे जो है उसके बाद थोड़ा उसको गर्म हो जाने दो, उसके बाद निकलते हैं। एंड फ्यूल अप भी करना पड़ेगा कि थोड़ी लंबी राइड है एंड अपनी 390 तो वैसे भी तेल बहुत लेती है। एंड आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि मेरा माइक अडाप्टर कल रात को मैंने टेस्ट किया था बट मेरे माइक में कुछ दिक्कत आ गई, तो अब अगली राइड पर मैं माइक अडैप्टर यूज़ कर पाऊँगा, इस राइड पर माइक अडैप्टर यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं। तो भाई हम लोग अभी हैं महाराणा प्रताप चौक पे एंड हमारा जो स्क्वाड है वो वहाँ पर खड़ा लाइनअप हो रखा है। ये हमारे काशी भाई, वो पीयूष भाई एंड बाकी के राइडर्स भी यहाँ पे आ रखे हैं एंड वहाँ देवांश भाई, वहाँ पे हमारे रोको राइडर, यहाँ पे मिलन, प्रतीक, सुमित सब यहीं पर आ रखे हैं। एंड जो बाइक्स है हमारे पास मैं बताता हूँ कौन कौन सी आ रखी है। सबसे ख़तरनाक तो भाई ये हेडलाइट ही नहीं भाई, ड्यूक 390 है पुरानी वाली BS4 एंड इसकी हेडलाइट है ही नहीं, मतलब बिना हेडलाइट के चलती है बट ये फॉग लैंप्स चलते हैं इसमें बढ़िया वाले। एंड ये हमारे मिलन भाई की है एंड दिस इज़ माई ड्यूक 390 एंड उनके पास है अपनी R15 version 3, इनके पास RC 200 और अपने पीयूष भाई के पास ZX10R जो कि वहाँ कहाँ गई, वहाँ खड़ी है। तो भाई अब बिना टाइम वेस्ट के निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, टीरी का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ बेयर विद मी। अब हम लोग हैं थानों के जंगल में एंड ये कौन सा चौक है मुझे नहीं पता, भूल गया मैं। एंड यहाँ पर अभी सीन ये है कि हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए रुके हैं एंड आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं वो फ़ोटोज़ देखने के लिए। एंड ये है अपने एडवोकेट राइडर जो जो हैवी ड्राइवर बन रहे हैं अभी, बड़का है सुबह सुबह। ओहो दुख होगा। तो आप लोगों को बाइक्स के थोड़े दर्शन भी करा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसमें 2 कंसिडर करेंगे ये 10 के बराबर होगा टोटल। तो भाई हमारे पास टोटल 10 बाइक है एंड मज़ा आ रहा है जो भी है। क्यों काशी भाई बहुत ज़्यादा यार, सारे बॉयज जब मैं आ जाऊँगा समझ लेना सब। चलो ये भी ठीक है। तो भाई हम लोग वीडियो और फोटो वगैरह बना रहे हैं, ये फोटोज़ और वीडियोस आपको हमारे मिल जाएंगी इंस्टाग्राम के हैंडल पे जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर लिंक पे भी ढंग से क्लिक नहीं हो रहा तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके द वेनम राइडर सर्च कर लो, आ जाएगा। ये बस लगी 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 लगी, ओ भाई साहब क्या पीयूष भाई आपके पीछे भी चलूंगा मैं, जॉली ग्रांड आगे से ही है। तो भाई अब हम करने वाले हैं थोड़ा पावर का प्रदर्शन। चले चलो चलो, आप लीड कर रहे हो कर लो ना।
आगे चले। अरे कर ले यार, यार कंटेंट नहीं आएगा ना आगे, कर ले यार भैया। तो भाई अब सीन ये है कि हम लोग रुके हैं यहाँ पे ऋषिकेश से, पहले थोड़ा रुके हैं, पता नहीं कौन सा पुल है। तो भाई हमारे साथ एक और राइडर वहाँ पे जुड़ रखा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मीटअप कर रहे हैं क्योंकि टिहरी जा रहे हैं हम लोग सारे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेव देना स्कूल का था। होता है चलो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। मीटअप वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ से निकलते हैं। सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा GoPro को, बाकी हमारा स्क्वाड पूरा रेडी है एंड निकलते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। चुके हैं नरेंद्र नगर की रोड पे,
क्या ओ भाई साहब, काशी भाई इतना ऊपर क्यों लेट नहीं जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ तो चलिए फिर चलते हैं। मीटअप वीटअप हो गया, थोड़ा रुक रहा शुकना हो गया, अब चलते हैं। तो भाई ये रहा अपना स्पॉट, चाय वाय पियेंगे यहाँ पे कुछ बैठ के आराम से। तो भाई अब ये सीन है कि चाय वगैरह सब पराठे वराठे खा लिए हैं एंड हमारे मोइन भाई जो है वापस जा रहे हैं अपने ऋषिकेश एंड हम लोग जो है जा रहे हैं टीरी के लिए। इनको थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाकी तो शुरू करते हैं अपनी यार राइड फिर से। आई होप ज़्यादा लंबी ना हो यार ये वीडियो। एंड ये है टेनार, थोड़ा टेनार का ना आपको आवाज़ वगैरह ढंग से ना सुना देता हूँ मैं। पीयूष भैया, वैसे तो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ इस टेनार की आवाज़, बट जो नए लोग जुड़े उनके लिए दिखाना चाह रहा हूँ मैं। क्या है ये? भाई साहब तबाही। हाँ